जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के विरोध और कार्य बहिष्कार को पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़े संघों ने भी समर्थन दिया। हालांकि इन कर्मचारियों ने खुद को कार्य बहिष्कार से दूर रखकर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल SMS अस्पताल में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से कोलकाता में दर्दनाक जो मृत्यु उस डॉक्टर की हुई थी उसके विरोध में पूरे देश में ही आंदोलन चल रहा है। तमाम जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो पूरे देश में आंदोलन चला रही है। हालांकि एक अपराधी पकड़ा गया है, लेकिन तमाम जो और अपराधी हैं वो पकड़े जाएं और सख्त से सख्त सज़ा उन तमाम अपराधियों को हो और एक ऐसा उदाहरण पेश हो कि कोई भी ऐसा दर्दनाक अपराध करने से कम 50 बार सोचे। इसी तमाम मांगों को लेकर पूरे भारत की डॉक्टर फ्रेटर्निटी हड़ताल पे है, धरने प्रदर्शन पर है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल SMS के भी कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ में मौजूद है। क्या मांग, क्या प्रमुख मांग क्या है? देखो, सबको पता है कि बंगाल की जो बेटी है उसके साथ बीभत्स घटना हुई है। उसका पहले रेप किया गया है और उसके बाद उसका मर्डर किया गया है, और जो भी वर्किंग स्टेशन पर हुआ है तो निश्चित रूप से पूरा देश आक्रोशित है। ना केवल ये मेडिकल फ्रेटर्निटी का मामला है, ये एक देश की बेटी का मामला है, देश की महिला का मामला है। तो सबसे मुख्य रूप से जो मांगे हैं, सबसे पहली मांग ये है कि उस बेटी को न्याय मिले, जो दरिंदगी है, जो दरिंदे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको पकड़ा जाए और उसके उचित परिवार वालों को न्याय दिया जाए। पहली मांग ये है, CBI प्रॉपर जाँच करे। दूसरी जो मांग है वो ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज ये लाया जाए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पहले से ड्राफ्टेड है 2022 में, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। और जो तीसरी मांग है वो ये मांग है कि जो कॉलेज लेवल की है और उसको स्टेट लेवल की भी बता सकते हैं, तो जो वर्किंग स्टेशंस हैं जहां पे सेफ्टी मेजर्स दुरुस्त नहीं है उनको दुरुस्त करवा जाए, जिसमें मेनली 24/7 गार्ड्स हैं और गार्ड का एक क्राइटेरिया हो, रिटायर्ड पर्सन को गार्ड नहीं बनाना, प्रॉपर एज ग्रुप हो या तो मिलिट्री पर्सन हो उनको गार्ड बनाया जाए। दूसरा, प्रॉपर CCTV हो, 24/7 वर्किंग हों और मेन डॉक्टर्स ड्यूटी रूम हो। जब इमरजेंसी ड्यूटी जब बहुत लंबी चलती है तो रेस्ट के लिए वो चाहिए होता है। तो ये हमारी मुख्य मांग है। और एक जो मांग है वो ये है कि कॉलेज लेवल पर और हॉस्पिटल लेवल पर एक कमेटी गठित की जाए, जिस तरीके से एंटी रैगिंग स्क्वाड होता है, उस कमेटी को डायरेक्ट जब भी वायलेंस किसी हेल्थ केयर पर्सनल पर होता है डायरेक्ट उससे अप्रोच करे। तो ये हमारी मांगें हैं। चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखा गया है न सिर्फ राजस्थान के बल्कि पूरे भारत के कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि कंसल्टेशन करते हैं। जैसे जो भी फैमिलीज होती हैं उनको अगर कोई इश्यू होता है अपने मरीज़ के रिगार्डिंग, तो वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो जो कंसल्टेशन डिपार्टमेंट है उनके पास में जाते हैं। इससे डॉक्टर और मरीज़ का जो परिवार है उसके बीच का जो टकराव है वो बचता है। क्या आपको लगता है कि सरकारी स्तर पर अगर तो ये है तो ये प्रॉपर तरीके से लागू नहीं, क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है, सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में ये जो आप बोल रहे हो ये काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, ये काउंसलिंग सेंटर्स हैं और डिपार्टमेंट वाइज हैं, जिस डिपार्टमेंट को ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हम साइकियाट्री की बात करें, चाहे कोई वायरल डिजीज़ है तो उसमें उसमें काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो निश्चित रूप से ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स हमारे यहाँ हैं और वो बहुत अच्छे से फंक्शनल भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये एग्रेशन है, जनता का जो एग्रेशन है वो जो है उस पर विचार करने की बात है। जो जनता जिस तरीके से पेश आती है हॉस्पिटल में उस पर विचार करने की बात है, और उनमें भय तभी बनेगा जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता, तब तक ये भय नहीं बनेगा। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात सब कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, या अगर हम हॉस्पिटल्स की बात ना करें तो जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कोई ऐसी जगह जो बहुत ह्यूज है, उसमें कई ऐसे कोने होते हैं जहाँ पे अगर CCTV है तो वो वर्किंग में नहीं होता, या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। SMS हॉस्पिटल में हम खड़े हैं, आपको खुद को पता होगा SMS हॉस्पिटल में भी ऐसे कई कोने होंगे जहाँ पर किसी की नज़र नहीं है। अगर कोई स्टाफ, भले ही वो मेल हो फीमेल हो, वहाँ जाता है तो उसकी सिक्योरिटी का क्या? तो ऐसे इन कोनों पे किसी भी बिल्डिंग के सिक्योरिटी मेजर होने चाहिए, क्या इसकी आप मांग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हर एक जिंदगी की कीमत होती है। कोलकाता में जो महिला रेसिडेंट डॉक्टर 36 आवर से कंटिन्यूस ड्यूटी कर रही थी, वो किसी की जिंदगी सुधारने के लिए, संवारने के लिए ड्यूटी कर रही थी। हर एक लोग मानते हैं, सब लोग, कि डॉक्टर्स का काम होता है औरों की जिंदगी को बचाना। अगर आप अपने जैसे अभी बात कही कि कोई बड़ी अस्पताल है, बिल्डिंग है, कि वहाँ पर कोई कोने में कोई भी जहाँ पर CCTV है तो वर्किंग नहीं है, तो कोने में कुछ हो जाता है तो किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए हमारी मांग है
कि यहाँ पे जो है राउंड द क्लॉक गार्ड रहे, और अब इन्होंने बताया कि गार्ड का एक क्राइटेरिया हो कि सीसीटीवी ऑलवेज फंक्शनल हो, इनका सर्वेलेंस 24/7 मॉनिटरिंग हो, 24 आवर्स डेली इनका मॉनिटरिंग हो, कि जैसे ही अगर कोई ऐसी घटनाएं सामने आती है तो तुरंत सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए और इसमें से जो भी विक्टिम है कि जो भी एक्सक्यूज है कि जो भी आरोपी है कि जिन्होंने ये किया है डॉक्टर्स के साथ या कोई हेल्थ केयर पर्सन के साथ, तो इनको तुरंत वहाँ से ऐसे पकड़ लिया जाए। और अगर इनको तुरंत हम पकड़ लेते हैं और इनको अगर हम तुरंत पनिशमेंट करते हैं तो सोसाइटी में एक भी स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि नहीं भाई ये हरकतें होती है तो यहाँ पे तो इतना स्ट्रांग सीसीटीवी सर्वेलेंस है, इमीडिएट ये लोग पुलिस पकड़ के ले जाती है, कैच कर लेते हैं और बाद में इनमें पनिशमेंट भी होती है। तो जो डॉक्टर का काम है औरों की ज़िंदगी बचाना, हेल्थ केयर सर्वेंट का, हेल्थ केयर वर्कर्स का काम है औरों की ज़िंदगी बचाना, तो वो भी अच्छे से अपना काम खुद कर सकेंगे, इनकी बिल्कुल ज़रूरत है। इसमें कोई बहस का कि ऐसा टाइम नहीं है कि यहाँ पे सीसीटीवी वर्किंग नहीं है, यहाँ पे वर्किंग नहीं है, कि इस बिल्डिंग में वर्किंग नहीं है, कि इस हॉस्पिटल में वर्किंग नहीं है। अब यही हमने कोलकाता की जो घटना देख ली है, इनसे हमको ये सीख लेनी चाहिए और हर जगह पे 24/7 सीसीटीवी सर्वेलेंस वर्किंग होना चाहिए, इनका स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना चाहिए, वहाँ पे गार्ड्स राउंड द क्लॉक तैनात होना चाहिए, और जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आता है तो इनमें इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और जो आरोपी है इनको इमीडिएट पनिशमेंट होनी चाहिए और समाज को भी एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए, ताकि मैंने जो बात बताया मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डॉक्टर का काम है जो औरों की ज़िंदगी बचाना, वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकेंगे, इनका फ़ायदा आगे जाके समाज को ही मिलने वाला है यह सब। बिल्कुल, एक सवाल ये भी बनता है कि अक्सर भले निर्भया का केस हो या इस प्रकार के और भी कई केसेस, उस केस के बाद में जो उस समय अपने आप में एक बहुत बड़ा विभत्स केस था, अपने आप में एक एग्जांपल पेश करने वाला केस था, लेकिन उसमें भी करीब 10 या 11 साल बाद एक्यूज को सजा हुई है, उसमें से हमारे कानून की जो लचीलापन है उसमें दो नाबालिग हैं, जब उनको पता है कि क्या करना है, जब उनको ये चीज़ पता है तो उनको नाबालिग बोल के उनको छोड़ दिया गया या उनकी सज़ा थोड़ी कम कर दी गई। क्या आपको नहीं लगता कि कानून में ऐसा कोई बदलाव होना चाहिए, भले ही अगर वो नाबालिग है, नाबालिग होने के बाद अगर उसको हर एक चीज़ का ज्ञान है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान कम होना, ये कहाँ का न्याय है? कानूनी तौर पर यदि मैं जाऊँगा तो कानून इसमें सही है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं बात उसकी है। कानून सही है, लेकिन जब बात आती है कि हॉस्पिटल पेरीफेरी में वर्किंग स्टेशंस पर जब वही गतिविधि होती है या फिर उसी तरीके वायलेंस होता है, तब चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स पेशेंट्स के साथ, भावनाओं के साथ, पेशेंट के साथ डील करते हैं, पेशेंट को अच्छे से देखते हैं, लेकिन जब उसके अटेंडेंट आके जब डॉक्टर्स पर अत्याचार करते हैं, वो भी इस तरीके से, अभी आप देख रहे हैं उस घटना के बाद भी लोगों पर अत्याचार हो रहा है, मेडिकल प्रोफेशनल्स पर अत्याचार हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम हॉस्पिटल्स की पेरीफेरी में ये कानून और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि लोगों में भय रहे और लोग इस बात से इसमें आगे बढ़ने से रुकें। एक सवाल सर यहाँ पे ये भी है कि जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनमें कई ऐसे लोग आते हैं जिनकी वहाँ ज़रूरत ही नहीं होती, भले ही हम मरीज़ के परिवारजनों की बात कर लें तो परिवार में कितने लोग होते हैं, 2, 4, 6 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऐसे कई लोग हॉस्पिटल में, सरकारी इमारतों में बैठे रहते हैं जिनकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा है, और ऐसे भीड़ का हिस्सा जो अक्सर अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं जब जाँच होती है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए और एक सिक्योरिटी इतनी टाइट होनी चाहिए कि जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हॉस्पिटल परिसर में कदापि ना आए? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपकी बात सही है, तभी हम पहली मांग क्या कर रहे हैं कि हमारे गार्ड जो हैं 24/7 दुरुस्त रहें और गेटेड एंट्री होगी, पर्टिकुलर जो मरीज है या फिर उसके साथ एक ही अटेंडेंट को आने दिया जाए। जब ये होगा तो निश्चित रूप से, जैसे आप देखते हो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जब अपन देखते हैं तो पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट जाता है, तो सेम यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी यदि ये लागू होता है तो निश्चित रूप से जो बाहर की जनता है वो उसकी एंट्री कम होगी, आवाजाही कम होगी, तो क्राइम रेट भी कम होगी, वायलेंस भी कम होगा। चलिए, ये तो बात रही सर, आप दोनों से ही मेरा सवाल है, ये तो बात रही कोलकाता के इंसिडेंट की, न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए और ऐसा हम कह सकते हैं एग्जांपल पेश हो कि कोई 50 बार नहीं 1000 बार सोचे ऐसा क्राइम करने से पहले, लेकिन हम राजस्थान में हैं, राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हैं, और राजस्थान में भी पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनके जो पीड़ित हैं, पीड़ित का परिवार है, वो आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हर एक स्टेट, हर एक शहर, हर एक ज़िला, हर एक गाँव इतना महफूज हो जाए कि इस प्रकार की कोई घटना हो ही ना?
निश्चित रूप से हम तभी हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वो इसीलिए मांग कर रहे हैं। यदि अपन देखते हैं सेंट्रल जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कुछ ऐसी वो हैं धाराएं हैं या फिर कहें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे बाहर वाले लोग निश्चित रूप से क्राइम करने से डरेंगे। जैसे बात करें हम कि सेम डे कमेटी का गठन होगा और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होंगे जिसमें ADM और CMHO होंगे और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो DYSP रैंक का होगा और निश्चित रूप से सेम डे रिपोर्ट देनी होगी। जब इस तरीके से जब लागू होगा तो निश्चित रूप से भय का माहौल बनेगा, क्राइम करने से लोग डरेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल SMS अस्पताल से भी यही मांग उठ रही है जो भारत के आज हर एक कोने से उठ रही है कि उस पीड़िता को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी मांग पूरी मेडिकल फैटर्निटी कर रही है। और अब न सिर्फ मेडिकल फैटर्निटी बल्कि देश के हर एक कोने से इस एक्ट की मांग हो रही है और न सिर्फ इस एक्ट की बल्कि कानून में कुछ कड़े प्रावधान करने की मांग अब हर एक जगह से उठने लगी है ताकि कानून की सख्ती इतनी हो जाए उस व्यक्ति को जो भी इस प्रकार के कृत्यों में शामिल पाया जाता है उसको सज़ा इतनी कठोर मिले कि कोई भी अगला व्यक्ति या अगला अपराधी इस प्रकार के काम करने से कम 1000 बार सोचे और इस प्रकार की जो घटनाएं जो होती हैं हमारी सरकारों को हमारे प्रशासन को भी अब तो कम से कम जागने की ज़रूरत है। अगर वो अभी भी नहीं जागे, अभी भी कानून में कोई कठोर प्रावधान नहीं हुआ या फिर सज़ा जल्दी नहीं हुई, स्पीडली नहीं हुई, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक घटना होती है उसके बाद पूरा समाज जागृत होता है, सड़कों पर निकलता है, कैंडल मार्च करता है, विरोध के स्वर गूंजते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद फिर से ऐसी कोई घटना हो जाती है। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, इस ओर सरकारें ध्यान दें, प्रशासन ध्यान दें ताकि कल को कोई और बच्ची, कल को कोई और परिवार इस प्रकार के घृणित हादसों का शिकार ना हो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।